आज ऐसा स्नैक्स बन रहा है कि जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे दिख रहे हैं, एकदम कुरकुरे। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी चावल, सॉरी चावल का आटा, एक कटोरी चावल का आटा ले लिया है। और 3 चम्मच मैं इसमें बेसन मिक्स करूँगी और 2 चम्मच हम ऐड करेंगे इसमें मैदा। 2 चम्मच मैंने मैदा ऐड कर दी है और 1/2 टीस्पून हम जो मीठा सोडा आता है, खाने वाला सोडा, वो ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब ले लेते हैं हम एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी और पानी में हम डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल और 1/2 टीस्पून डाल दूंगी मैं नमक। और पानी को हम थोड़े से उबलने देंगे, थोड़ा सा ही गर्म होने देंगे और इस तरह से हम नमक और पानी, वो तेल पानी को मिक्स कर लेंगे। तीनों चीज़ों का अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए और उस टाइम हमें ये डाल देना है चावल, बेसन और मैदा को जो हमने मिक्स करके रखा था, इसको हम डाल देंगे। और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जबकि ये पूरा मिक्स हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। और जैसे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। गैस को कर देंगे ऑफ और ढक के 5 मिनट के लिए हमें इनको रख देना है। और अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं इसके ऊपर डालने के लिए। एक बहुत ही अच्छा और चटपटा मसाला हम बनाने वाले हैं। तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून डालूंगी मैं काला नमक, 1/2 टीस्पून सादा नमक और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है पुदीना पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाला है। पुदीना पाउडर जो हम सुखा के रख लेते हैं पीस के, वही पुदीना पाउडर होता है। और इनको मैं तीनों चारों को मिला के और हम रख देंगे साइड में। मसाला हमें पहले बना लेना है। तो अब हमारा जो ये हमने हमारा ये जो डो बनाया है ये ठंडा हो चुका है, तो अब मैं दूसरी थाली में रख लूँगी और इसको हाथ से अच्छे से मिसल लूँगी। मतलब पराती में कोई भी पराती या कोई भी बड़ा बर्तन ले ले, उसमें डाल ले और हाथों से इस तरह से हमें इसको एक डो बना लेना है अच्छी तरह से। और ये इसको जब आप मिस लोगे तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है पानी बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फिक्स डो रहता है कि एक कटोरी हमने चावल लिया है तो 1 कटोरी हमें पानी लेना है। और आप देख सकते हैं कि हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। मैंने 1 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया है, उससे ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा, फटेगा नहीं, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हाथों में भी नहीं चिपकेगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा डो बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट डो हमारा बना है। और इसको हम इस तरह से बना के रखेंगे साइड में। और अब हम इसको हम इसके पेड़े बनाएंगे और उनको हम बेलेंगे। इस तरह से हमें ले लेना है छोटा सा पेड़ा, जैसे थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा आटा लेते जाएंगे और इस तरह से हाथ से इस तरह से पेड़ा बना के और इसको हमें बेलना है। बेलने में अगर कोई दिक्कत आए तो हम ऊपर से चावल का आटा डस्ट करेंगे, चावल का आटा हम इस पर डाल लेंगे और फिर ये आसानी से बहुत ही ईजीली बिल के तैयार हो जाता है। और बिल्कुल पतला, आप जितना पतला बेल सकते हो उतना पतला ये बिल जाएगा। और ये कुरकुरे खाकर तो बच्चे बाहर से कुरकुरे कभी लाएंगे ही नहीं है, ऐसे बोलेंगे कि घर पे ही मम्मी वो चावल वाले कुरकुरे बना दो। आप एक बार बना के देखिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। और इस तरह से हमें इसको बिल्कुल पतला बेल लेंगे, जितना पतला हो सकता है, और इस तरह से फोक की सहायता से हम इसमें इस तरह से छेद कर लेंगे जिससे कि हमारे जो कुरकुरे हैं फूले नहीं। और आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, मैं तो चौकोर कट करने वाली हूँ, आप कोई भी शेप में इसमें कट करें। उस तरह से मैंने इसको सभी जगह से फोक से इसमें छेद कर लिए हैं जिससे कि ये फूलेंगे नहीं। और इसमें से इसको मैं चौकोर कट कर लूँगी साइड में से इसके इस तरह से काट के, और मैं इसको कर लूँगी चौकोर पहले, क्योंकि मुझे चौकोर पीसीस में इसको कट कर लेना है। और इसको अब बीच में हम कट करेंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से मैं सबको चौकोर पीस में कट कर लूँगी। बहुत ही इजीली कट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है कट होने में। और ये देख सकते हैं मैंने सभी को कट कर लिया है और सबको मैंने एक प्लेट में डाल लिया है कट करके। और अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे इनको। तेल बिल्कुल गर्म हो जाए तो गैस को कम कर दें और फिर हमें इनको डालना है और फिर मीडियम फ्लेम पे करके आराम से सिकने देना है कुरकुरे होने तक। और बहुत ही अच्छे से कुरकुरे हो जाते हैं और बिल्कुल ऐसे टाइट भी नहीं लगते हैं, वे एकदम जैसे मार्केट में माचो चिप्स आती हैं एकदम वैसे ही ये लगते हैं खाने में। और ये हमारे कुरकुरे बन के तैयार हैं, ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिक चुके हैं, कलर बहुत ही अच्छा आया है। और अब इनको इस तरह से निकाल लेंगे एक बड़ी चन्नी में जिससे कि जो ऑयल है वो निकल जाए, और मैं सारे इसमें बड़ी चन्नी में निकाल लूँगी
और बाकी की जो थे वो भी मैं इसमें इस तरह से डाल दूंगी। कोई दिक्कत नहीं आती है बनाने में, बहुत ही इजी तरीका है बनाने का, बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। और ये देख सकते हैं ये भी हमारे सिक जाएंगे, जब तक हमारे जो सिक्के हैं उनमें हम डाल लेते हैं मसाला, क्योंकि गरम गरम में मसाला डालने से बहुत ही जल्दी मसाला इसमें चिपक जाता है। गरम गरम में मसाला डालना चाहिए जिससे कि पूरे इस पर मसाला अच्छे से चिपक जाए। और दूसरे भी हमारे बनके तैयार होते हैं, हो गए हैं, इनको भी मैंने निकाल लिया है, इन पर भी मैं इसी तरह से मसाला डाल दूँगी। और ये बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, बनाते हैं उससे पहले तो ये ख़त्म हो जाते हैं, बच्चे इनको फटाफट ख़त्म कर देते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।